हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। अभी हमास द्वारा जो इजराइल पर हमला हुआ है वो बड़ा एक निंदनीय घटना है कि औरत और बच्चों का इस्तेमाल किया गया है। और एक म्यूजिक का प्रोग्राम चल रहा था उसमें हमला किया गया, 250 को मार दिया गया और बच्चों को और औरतों को, औरतों के साथ बर्बरता किया गया, बच्चों को भी मारा गया और बहुत बच्चे और औरतों को बंधक बना दिया गया। और इसमें विदेशी भी मारे गए, कुछ विदेशी नागरिक भी मारे गए जो प्रोग्राम में भाग लेने के लिए इजराइल गए हुए थे। तो औरत और बच्चों के साथ जो बर्बरता हुआ है वो बहुत निंदनीय है, वो कंडेम करते हैं हम लोग, क्योंकि ये होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको वार करना है तो आपस में दो आप दोनों कर सकते हैं, इसमें किसी भी वार में कोई भी ये नियम नहीं है, वो कानून नहीं है कि औरत और बच्चों के साथ आप बर्बरता करें। आप उसमें देखा गया, क्लिपिंग वीडियो बनाकर भी भेजा जा रहा है, मैंने तो नहीं देखा लेकिन मैंने सुना कि क्लिपिंग और वीडियो बनाकर भी भेजा जा रहा है। बड़ा निंदनीय है, बहुत ही गंदी ये हरकत है, इसको कंडेम करते हैं। कोई भी धर्म, कोई भी चीज है वो उसको नाम लेके अब किसी के साथ बर्बरता करते हैं, किसी महिला के साथ। महिला और बच्चे जो है और पागल, इन तीनों को लोग आदर करते हैं क्योंकि वो लोग सम्मानीय होते हैं। अगर कोई गलत करता है तो इस तरह घिनौना हरकत करना तो बिल्कुल ही गलत बात है। जो आपके धर्म में जो है औरत को अच्छा मुकाम दिया गया है, उसका इज्जत करते हैं, उसको पर्दा करने के लिए कहा जाता है, तो इसका मतलब नहीं कि दूसरे की औरतें को आप इस तरह व्यवहार कीजिए किसी के साथ। सब बराबर है, सब औरतों को, सब अगर एक उम्र वाली होती है तो एक माँ के तरह दर्जा से हम देखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अलग है वो अलग है। तो ये तो बहुत ही गंदा और निंदनीय घटना है। हमला होता है, वो हमला करता, आप हमला कीजिए, लेकिन ये जो बर्बरता आपने किया है बच्चों के साथ और औरतों के साथ, ये बहुत ही निंदनीय है कि कह नहीं सकते। अब इसमें क्या है, बड़े बड़े का दुनिया का दिल दहल गया है, आपने जो बर्बरता किया है औरतों के साथ और बच्चों के साथ। ये दुनिया में बहुत कम, अगर जिसमें इंसानियत होगा वही आदमी आपका साथ देगा, इंसानियत नहीं होगा नहीं तो कोई आदमी आपका साथ नहीं दे सकता। हमास का कोई साथ नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर ये लड़ाई सिर्फ करता तो होता कि चलो दोनों देश में चल रहा है टकरार किसी चीज को, किसी जगह को लेके, किसी एरिया को लेके, अक्सा मस्जिद वो वाल इन सब के लेकर तो चलता। बट आपने जो ये गलत इतना घिनौना हरकत किया है जो कि कंडेम करने लायक नहीं है। आप सोचिए कितना डरा हुआ है वहां की औरतें बच्चे, आपने उसको बंधक बना लिया है, उसके साथ गलत काम कर रहे हैं। ये कहाँ का शोभा देता, किस धर्म में लिखा रहता है कि आप किसी की औरतों के साथ गलत करें, किसी बच्चे के साथ गलत करें, बच्चों को मार दें जान से। बच्चा औरत ये सब तो दया का पात्र है, इसके साथ लोग को सिंपैथी होता है, संवेदना होता है। कहीं भी बहुत जगह लड़ाई हुआ, बहुत लड़ाई हुआ दुनिया में, बहुत जगह होता है, लेकिन ऐसे निंदनीय, ऐसे गंदी हरकत कहीं नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम ये किया गया है और वो पब्लिकली प्लेटफॉर्म पर डाला गया है इस पर कि ये मैं कर रहा हूँ। कितना घिनौना, कितना खराब है ये हरकत, ये निंदनीय है। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ 140 करोड़ जनता, हम लोग सब उनके साथ खड़े हैं। उनका जो भी डिसीजन होगा उसके साथ हम लोग आंख बंद करके खड़े हैं। उनका जो ऑर्डर होगा हमारे प्रधानमंत्री का वो हम लोग करने के लिए तैयार है। वो अकेले नहीं है, हम 140 करोड़ जनता उनके साथ है। हर क्षेत्र में, हर मामले में उनका हुक्म होगा वो करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसीलिए हमारे यहाँ हमेशा सही का साथ दिया जाता है। इसीलिए हमारे देश, हमारा देश या और भी जो मानवता प्रधान देश होगा वो उसी का साथ देगा जो सही कर रहा है। लड़ाई झगड़ा आप कीजिए, लेकिन ये जो आपने गंदी निंदनीय घटना किया ये माफी के काबिल नहीं है। तो इसमें देखिए कुछ क्लिपिंग, कितना डरा हुआ है, कितना सहमी हुई लड़कियां हैं सब।
never believe it's gonna happen for us. We Israel knows war from the past, but this one is really touching every single person and my family, my friends. India के अभी मैंने बात की, उन्होंने तो openly ये statement दे दिया कि हम Israel के साथ खड़े हैं, ठीक है? यानी कि उनकी foreign policy नजर आ रही है कि भाई उन्होंने कोई आपके पास जवाब है, कोई Islamic opinion आपके पास है कि जाके innocent लोगों को जिनका nothing to do with the foreign policy और military policy, जिनका उनके कोई लेना देने 900 बंदे को मार दिया जाए। Cannot sleep. We feel really, really bad for the situation. What happening in Israel? Many Israelis that got calls from the army are trying right now to come back Israel to join the army. आज कुछ लोग पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि हमास ने भी इसराइल पे हमला करके फलस्तीनियों के लिए वैसे ही मसाइल पैदा किए हैं जैसे 9/11 के बाद मुसलमानों के लिए पैदा हुआ, क्योंकि ईरान को साइडलाइन कर दिया गया है विद रेड पार्ट्स एंड ऑल दैट, तो वो समझते हैं कि हम जो कर सकते हैं वो इसी तरीके से ही कर सकते हैं। सीरिया में वो होती इसको सपोर्ट करते रहे। एवरीवन हियर डोंट नो एंड लाइक वी आर इन दिस सिचुएशन दैट वी कैन नॉट नो व्हाट विल कम, वी कैन नॉट, वी जस्ट फील सो मच ग्रीफ एंड सॉरो। आपकी इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की, मैं एक अफसोस के साथ ये कहूंगा, आपके हालात आपको पता है क्या है? आपके सीरिया के हालात क्या है, इराक के हालात क्या है, लीबिया के हालात क्या है, अफगानिस्तान के हालात क्या है, आपके पाकिस्तान के हालात क्या है? कई जो इस्लामिक ममालिक हैं वो उन ग्रुपों को भी सपोर्ट कर दे रहे हैं, दोस हैव बीन वेरी क्लोज टू अलकायदा, एंड टर्की जो है वो भी जारी बात है सीरिया के अंदर जो है वो जिसे वो कहते हैं मिलिट्री ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहा है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास एटम बम है, ठीक है, मगर ये शुरली भी नहीं चलाएंगे। क्यों चलाएंगे नहीं? इसलिए कि इनमें विल आपके पास जवाब है, कोई इस्लामिक ओपिनियन आपके पास है कि जाके इनोसेंट लोगों को जिनका नथिंग टू डू विद द फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी, जिनका उनके कोई लेना देने 900 बंदे को मार दिया जाए, फिर 150 के करीब 130 लोगों को किडनैप कर लिया जाए जिसमें बच्चे भी हैं और जिसमें खवातीन भी हैं। आज कतरी जो है वो आज दरमियान में वो आर्बिट्रेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि खवातीन और बच्चों को छोड़ दिया जाए, इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? और दूसरा, मैं सबसे बड़ी जो आज को बात बताना चाहूंगा आजू, क्या आपके पास एबिलिटी कैपेसिटी है कि जब वो रिटेलिएट आप करेंगे आप उसका मुकाबला कर सकेंगे? क्या आप इस काबिल है? आपकी इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की, मैं एक अफसोस के साथ ये कहूंगा, मैं खुद मुसलमान हूं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट, आपके हालात आपको पता है क्या है? आपके सीरिया के हालात क्या है, इराक के हालात क्या है, लीबिया के हालात क्या है, अफगानिस्तान के हालात क्या है, आपके पाकिस्तान के हालात क्या है? वेस्ट आपको टुकड़े डालते हैं तो आप खाना खाते हैं, अमेरिका और चाइना आज आपको पैसे देना बंद करते आप खाना ना खा सके इस मुल्क के अंदर। और फलस्तीन के बारे में बताना चाहूंगा आपको, आप जिस तरीके से आपने नवाज शरीफ को जिस पनामा लीक्स में आपने उसको निकाला था यहां से नाहिल करके, उसी पनामा लीक्स के अंदर हमास के लीडर के बच्चे का नंबर भी था उसमें, अकाउंट नंबर, वो भी यूनाइटेड नेशन से जो डॉलर आते हैं वो भी पनामा में जमा कराते रहे हैं। इस वक्त उनके पास ये सारे शवाहिद मौजूद हैं कि फलस्तीनियन कितने करप्ट है खुद। और मैं यहां पे आपको ये याद कराना चाहूंगा, ये बच्चे आज के लौंडे लपाड़े मेरे एक ट्वीट के पीछे भी पड़े हुए हैं, करने दिन को कोई शौक नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं इस पे पड़ता। आर यू, ये फलस्तीनियों को जॉर्डन ने साथ बना दी थी, इन्होंने उनके किंग के ऊपर अटैक कर दिया था, मैं याद कराना चाहूंगा आपको, ठीक है? आप सपोर्ट करें, क्योंकि उसकी वजह ये है, आपका सबसे बड़ा जो अगले दिन सर्वे उन्होंने किया, ईरान जो है उसका जो ये उसका इन्फ्लुएंस है कि ये जो प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये रीजनल पार्ट्स में, क्योंकि ईरान को साइडलाइन कर दिया गया है विद रेड पार्ट्स एंड ऑल दैट, तो वो समझते हैं कि हम जो कर सकते हैं वो इसी तरीके से ही कर सकते हैं। सीरिया में वो हुतीस को सपोर्ट करते रहे, इराक में वो डिफरेंट फैक्शन को सपोर्ट, शिया मलेशियाज को सपोर्ट करते रहे, इस तरह सऊदी अरब जो है वो अपनी यमन में जो है वो जाहिर बात है यमन की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता रहा, और होती रेबल्स के खिलाफ
और इसी तरह सीरिया में और बहुत सारे मुल्कों में अपनी उन्होंने पोजीशन दी रखी है, और कई दफ़ा तो कहा गया है कि कई जो इस्लामिक ममालिक हैं वो उन ग्रुपों को भी सपोर्ट करते रहे हैं, दोज़ हैव बीन वेरी क्लोज टू अलकायदा। एंड टर्की जो है वो भी जारी बात है सीरिया के अंदर जो है वो जिसे वो कहते हैं मिलिट्री ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहा है कुर्दिश मलेशियाज के खिलाफ, और ये जो अक्सर रेबल्स ग्रुप्स हैं सीरिया के अंदर। पाकिस्तान की अपनी एक पोजीशन है, पाकिस्तान जो है वो अफगान तालिबान एंड अफगानी नेटवर्क को सपोर्ट करता रहा है। एंड देन पाकिस्तान डेफिनेटली अगर कश्मीर अब आ जाए तो लश्कर तैयबा एंड ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन जो है इनको भी सपोर्ट करता रहा है। अब कतर में आप देखें जिसे वो कहते हैं ना कतर इटसेल्फ हमास को सपोर्ट करता है, बल्कि जो अभी रिसेंटली एक पोल हुआ था गजा की पट्टी में और गजा स्ट्रिप के अंदर, और उन्होंने ये सवाल किया गया जिसे वो कहते हैं ना कि कितने परसेंट लोग हैं जो इस्माइल हानिया जो इस वक्त कतर में बैठे हैं उनको सपोर्ट करते हैं। कतर ने रिसेंटली मेरे ख्याल को $350 million दिया था हमास को एंड ऑल दिस इन गजा के अंदर। ईरान जो है वो तकरीबन कहा जाता है $100 million की सपोर्ट करता है और बाकी वेपन शेपन जो है वो भी देता है। तो ठीक है आप करें, आपको चाहिए फर्स्ट इनको सपोर्ट करें, लेकिन चाहे आप कुछ करें उनके लिए भी, क्योंकि उसकी वजह ये है अब वो रिटेलिएट करेंगे। और इसराइल जो है आज अभी तक वो अटैक कर चुके हैं, अभी भी वहां रात का टाइम है, नेतन्याहू साहब अभी आने वाले हैं, स्पीच देने वाले हैं, 500 तो उन्होंने मार दिए हैं। हमास सब कहता है रूस करें हमारे साथ, रूस करें हमारे साथ। और माजी के अंदर इसराइल ने कभी अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया जब तक वो अपने टारगेट अचीव न कर ले। आपके ट्वीट ये लौंडे लपाड़ों को मेरा मशवरा दे, ट्वीटों के साथ दुनिया नहीं चलती मेरे बच्चे, फिक्शन से निकलो, हकीकत देखो क्या है। और दूसरा आखिरी बात मुझे कर ले, कहां का इस्लाम है जो आपको इजाजत दे कि आप मासूम लोगों को जाके निहत्ते लोगों को जाके मारे, ये इस्लाम इजाजत देता है? मैं जिस मजहब पे बिलीव करता हूं वो हालत जंग में कहता है कि आपने सब दरख्त नहीं काटना, ग्रीन ट्री भी नहीं काटना आपने। ये किस किस्म का इस्लाम आप लेके प्रचार कर रहे हैं भैया, ये कौन सा जिहाद, ये किस किस्म की ये सारी बातें कर रहे हैं? मैं आज इन चीजों पर बिलीव नहीं करूंगा, अफसोस के साथ कहूंगा। आप ऐसे मुल्क के बैठे हैं बाहर मुल्क के इस वक्त जहां से हुकूमत तो कुछ भी नहीं बोल रही, क्योंकि हुकूमत क्यों बोलेगी, हुकूमत को तो डॉलर चाहिए, हुकूमत को तो डॉलर आते हैं सऊदी अरेबिया से यूएई से, उनकी मर्जी के बगैर किस तरह बोलेगी। हाँ आपके लौंडे लपाड़े बोल रहे हैं, वही जो इमरान खान के इश्क में मुब्तला है वो कर रहे हैं, करते रहेंगे, वो करना चाहिए उनको, उनको क्या पता है कल क्या। अभी आप देखे कितनी सहमी हुई लड़कियां सब है, इसी से आप सोचिए होता क्या है अगर दो दो कंट्री लड़ाई करेगा। पिस्ता मासूम है, अभी रिटेलिएट करके ये लोग भी अगर रॉकेट दाग रहे हैं या जो भी कर रहे हैं इजराइल, उससे क्या हो रहा है, आम पब्लिक आम जनता का घर गिर रहा है, वो मर रहे हैं, और वो जो भी आतंकवादी संगठन है वो तो घुस गया है कहीं कहीं अंदर छुप गया है, जनरल पब्लिक को मरवा रहा है। जनरल पब्लिक को सोचना चाहिए कि हम उनका सपोर्ट नहीं करें, क्योंकि वो ही हमारे जान का दुश्मन हो जाएगा। इसीलिए आंख बंद करके रिलीजन रिलीजन मत करें, जो सही है उसका साथ दें और जो गलत है उसका साथ मत दें। मानवता वही सिखाता है कि आप जो सही है सही का साथ दें, गलत का साथ देने से आपका आपके पूरा कंट्री का पूरा ही बर्बाद होने के कगार पर रहेगा, जिसका एग्जाम्पल आप लोग सब समझदार हैं, जान देख ही रहे हैं। लीबिया का क्या हाल हुआ, इराक का क्या हाल हुआ, आप सोचिए इसका सीरिया का क्या हाल हो रहा है, हर जगह का क्या तबाही मचा, अफगानिस्तान का आप देखिए। तो इसीलिए वो जो रिलीजन रिलीजन है उसको छोड़ के चश्मा उतार लीजिए रिलीजन का, और देखिए कि मानवता क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। आप सोचिए आपके कंट्री का कोई संगठन दूसरे कंट्री के या औरतों के साथ बलात्कार करता है, बच्चों का सरकलम करता है, तो वो कहां का नियम है, वो कहां का रिलीजन बताता है कि औरतों के साथ बलात्कार करो, कहां का रिलीजन बताता है कि बच्चों का गला काटो, कहां का रिलीजन बताता है कि औरतों के साथ आपने आप उसको
उसका कपड़ा खोल करके उसका वीडियो बना के आप सब जगह सरेआम उसको फैलाओ, ये तो कहीं का नहीं बताता है, कोई नहीं बताता है। तो इस तरह जो कर रहा है ये तो आप हमला कीजिए, एक दूसरे पर हमला कीजिए तो रिटेलिएट वो भी करेगा, आप भी करेंगे, बट ये जो है औरतों बच्चों को छोड़ दें, ये लोग को आप मत बनाएं, उन लोगों के का सहारा मत लें, इन लोग के साथ गंदगी नहीं करें। प्लीज रिक्वेस्ट है सबसे कि औरतों और बच्चों को छोड़ दें, इन लोग को सफर नहीं करने दें, इन लोग के साथ ये गंदगी नहीं करें। जैसे आपकी माँ बहन बच्चे हैं वैसे वो लोग भी हैं, इसीलिए आपको लड़ना है तो आर्मी से लड़िए, आपको लड़ना है तो वहां के जनरल पब्लिक को लड़िए, औरतों के साथ कुछ गंदगी मत कीजिए, बच्चों को मत मारिए, वो लोग को कोई कसूर नहीं है, बेकसूर है, आपके जंग में सिर्फ पिसारा है, दोनों तरफ की औरतें दोनों तरफ का ये, लेकिन ये जो गंदगी कर रहे हैं ये बहुत खराब है, बहुत ही निंदनीय है। इसीलिए प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है कि ये नहीं करें। जैसे आपकी घर की औरतें होती है वैसे दूसरे घर की औरतें होती है, जैसे आपके बच्चे होते हैं अपने जान से जिगर के टुकड़े होते हैं, जितना जान से प्यारे हैं, वैसे किसी के बच्चे होते हैं, उसी उसको मारना या उसको काटना, ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ कौन धर्म सिखाता है, ये कैसे मारा जाता है, कैसे काटा जाता है, दिल नहीं दहलता है आदमी को? एक बच्चा कितना प्यारा होता है उसको आप मार रहे हैं, कितना गलत बात है। प्लीज प्लीज इसको स्टॉप, और जो भी है आपस में या तो वार जंग किसी मसला का हल नहीं है, या तो आपस में मिल बैठ के बात करें, या नहीं तो आपस में लड़ें, लेकिन औरतें और बच्चों को मत छुएं, उन लोग को मत परेशान करें, उन लोगों के साथ बर्बरता ना करें। बस इतना है, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।